भारत में हिंदुओं की आस्था मंदिरों में विराजमान भगवान से इस कदर जुड़ी है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यही कारण है कि भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के लिए मंदिरों में लाखों रुपए सोना चांदी दान करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही पांच सबसे अमीर मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है। तो आइए जानते हैं इन मंदिरों की संपत्ति के बारे में। नंबर वन, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। केरल में तिरुवनंतपुरम शहर के बीच में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर है। द्रविड़ शैली में बनाए गए इस प्राचीन मंदिर की देखभाल त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार द्वारा की जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार मंदिर की 6 तिजोरियों में कुल 20 अरब डॉलर की संपत्ति है। इतना ही नहीं, मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल सोने की मूर्ति विराजमान है जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। मूर्ति की अनुमानित कीमत 500 करोड़ रुपए है। नंबर टू, तिरुपति बालाजी मंदिर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में 7 पहाड़ों से मिलकर बने तिरुपति बालाजी का नाम भी देश के सबसे प्रतिष्ठित और अमीर मंदिरों में लिस्ट में आता है। वास्तुकला का अद्भुत नमूना कहा जाने वाला यह मंदिर समुद्र तल से 2800 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है जिसे तमिल राजा थोडई मान ने बनवाया था। कोरोना वायरस महामारी के आने से पहले इस मंदिर में रोजाना करीब 60,000 श्रद्धालु दर्शन करने आते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में स्वयं भगवान वेंकटेश्वर निवास करते हैं जो विष्णु के अवतार है। रिपोर्ट्स के अनुसार मंदिर की कुल संपत्ति लगभग 50,000 करोड़ रुपए है। नंबर थ्री, साईं बाबा मंदिर। महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित शिरडी साईं बाबा मंदिर की काफी लोकप्रियता है। हर साल लाखों लोग यहां दर्शन करने के लिए देश विदेश से आते हैं। शिरडी साईं संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक 480 करोड़ रुपए सालाना दान दक्षिणा से मंदिर को मिलता है। कहा जाता है कि मंदिर के पास लगभग 32 करोड़ के चांदी के जेवर हैं और 6 लाख कीमत के चांदी के सिक्के हैं। साथ ही हर साल लगभग 350 करोड़ का दान आता है। नंबर फोर, वैष्णो देवी मंदिर। हिंदू धर्म में माता वैष्णो देवी मंदिर की काफी मान्यता है। ये मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर कटरा नामक जगह पर 1700 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। दुनिया भर से हर साल करोड़ों लोग माता के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर का मुख्य आकर्षण गुफा में रखे 3 पिंड है। इस गुफा की लंबाई 30 मीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर है। साल भर में लाखों भक्त माता के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। tourmyindia.com के अनुसार 500 करोड़ रुपए सालाना यहाँ के श्राइन बोर्ड को भक्तों के चंदे से मिलता है। नंबर फाइव, सिद्धि विनायक मंदिर। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में भगवान गणेश का सबसे प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है जिसे लोग सिद्धि विनायक मंदिर के नाम से जानते हैं। गणेश जी की जिन प्रतिमाओं की सूंड दाईं तरफ मुड़ी होती है वे सिद्ध पीठ से जुड़े होते हैं और उनके मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर कहलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन कर भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यही कारण है कि बड़े बड़े नेता, अभिनेता और सेलिब्रिटीज लेकर आम नागरिक तक यहाँ माथा टेकने और मन्नत मांगने आते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल मंदिर को दान से करीब 75 से 125 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। इस मंदिर को 3.7 किलोग्राम सोने से कोट किया गया है जो कि कोलकाता के एक व्यापारी ने दान किया था। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे अमीर और पॉपुलर मंदिर। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए।